इस्तेमाल कर रहे हैं जनाबे रोहलर, ताकि इंसान के दिल के अंदर डगमगट पैदा हो, शौक पैदा हो, थोड़ा बुरा भी लगे तो वो जानने की कोशिश करे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये भी एक अकलमंद इंसान की अलामत है। तो उसके बाद उसने कहा कि जनाब रोहलर का तुम जाहिल हो, तुम्हें खाना खाना भी नहीं आता। फिर जनाबे रोहलर चले गए, फिर एक जगह मिला, कहा कि रोहलर आप हमें कुछ नसीहत ही कर दीजिए। बात यहां तक पहुंची कि जनाबे मोहलर ने कबल इसके कि कुछ कहते, उसने कहा कि मैं जाहिल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे नसीहत करिए। तो अब जनाबे मोहलर ने कहा अब तुम आए हो लाइन पर। जब इंसान यह कहता हुआ नजर आए कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, तो फिर वो जान के क्या करेगा। जब खुद कह रहा है मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मुझे हर चीज का इल्म है, तो अभी सीखेगा क्या। कहा अब तुम आए हो अपनी लाइन पे। अब जब ये गुफ्तगु हुई तो अब उसने कहा कि बहलोल अब तो बता दो, अब तो मैं अपने हाथ को उठा लिया है, मैंने अपनी जहालत का इकरार कर लिया, अब तो बता दो। जो पिछले दो कलाम हमने किए थे जिसमें आपने हमसे कहा था तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हें खाना खाना नहीं आता, ये क्यों आपने कहा। तो अब जनाबे मोहलर ने कहा कि सुनो, बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो बात हम करने जा रहे हैं ये रिजाए इलाही के लिए है या बंदों की खुशनुमा के लिए। अगर बात रिजाए इलाही के लिए है तब तो बात है, और वरना बात का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद का जो था, जो आपने कहा था कि तुम्हें खाना खाना नहीं आता, कहा सुनो खाना खाने से पहले ये देखना जरूरी है जो गजा मैं खा रहा हूं वो हलाल है कि नहीं है। कहीं यतीमों का हक तो नहीं खा रहे हो, कहीं बेवाओं का हक तो नहीं खा रहे हो। तो ये है जनाबे बुजुर्ग कि दीवाने जरूर बने हैं लेकिन दानाए आले मोहम्मद है। और इनकी एक खासियत यह भी है कि कभी ये दरबारी मुफ्ती नहीं बने, और न कभी किसी नाअहिल को बर्दाश्त किया। अगर किसी नाअहिल को देखा है तो उसे समझाने की कोशिश की है, और इसकी दलील भी है। हारून रशीद का दरबार है, चमकता हुआ दरबार, बेहतरीन गद्देदार तख्त, बिल्कुल खाली है, सजा सजाया तख्त है, चमचे आगे पीछे है। जनाबे मोहलर ने देखा कि तख्त खाली है, जल्दी जल्दी गए और हारून रशीद के तख्त पर बैठ गए, बगैर वजह के कोई काम नहीं करते। जल्दी से गए और हारून के तख्त पर बैठ गए। तारीख के यही जुमले है, देश से ज्यादा देहातों में यह मसल बोली जाती है कि देर से ज्यादा चम्मच गर्म है। लिहाजा चारों इर्द गिर्द उसके दरबार थे, अब ये दौड़ कर गए और तख्त पर बैठ गए। तख्त पर बैठना था, तारीख के जुमले हैं, किसी ने गलेबान खींचा, किसी ने घुसा मारा, किसी ने लात मारी, किसी ने तमाचा मारा, और मार के तख्त से नीचे गिरा दिया। जनाबे मोहलर नीचे गिर गए, खूब रोए खूब रोए। जब हारून आया, खालाजान भाई भी थे, हारून आया, पूछा तो रोए क्यों रो रहे हो। कहा तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे मारा है। अब जैसे सुना हारून खालाजान भाई है तो फौरन गजबनाक हुआ, कहा क्यों मारा तुमने इसे, किसकी हिम्मत हुई इसे मारने की। उसने कहा हुजूर इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसने बहुत बड़ी बेअदबी की है। का क्या किया, कहा आपकी मसनद पर बैठ गया, जहां आप कहते हैं वहां जाके बैठ गया। अब हारून बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा हुआ मारा। कहा बोलो अगर ऐसा काम न करते तो न मार खाते, तुमने मेरे मकान पे बैठने की गुस्ताखी की लिहाजा मार खाई। लेकिन जनाबे मोहलर रोते रहे रोते रहे रोते रहे। हद ये है कि इसने कहा मोहलर आप तो चुप हो जाओ, आप खामोश हो जाओ,
बात गई मार खा गए आइंदा से ऐसी गुस्ताखी न करना। पर बोलोन ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं अपने मार खाने लगा रहा हूँ? तुम क्या समझते हो कि मैं अपने मार खाने पे रो रहा हूँ? फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं तुम्हारे मार खाने पे रो रहा हूँ। कहा वो कैसे? कहा एक मिनट के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा तो इतना मार खाया, तू कब से बैठा है? अब तो जो है वो आले मोहम्मद का हक है। कहा आले मोहम्मद के हक पे एक मिनट के लिए बैठा तो मुझे उतनी मार खाई, तू कब से आले मोहम्मद का हक हासिल करके बैठा है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना मार खाया हूँ तो तू कितना मार खाएगा। तो यह है आले मोहम्मद, यह है दादाए आले मोहम्मद। कभी बातिन के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के कहा, तू क्या समझता है कि गनी उसे कहते हैं जिसके सामने दौलत का अंबार लगा हो? तुम क्या समझते हो कि गनी उसे कहते हैं जिसके पास हुकूमत हो? तुम क्या समझते हो कि गनी उसे कहते हैं जिसके सर पर ताज हो? मैं बताता हूं कि गनी किसे कहते हैं। फकीर मन लघु फिर सुन, कायनात का हर वो इंसान फकीर है जो लालची है। ये दलाई आले मोहम्मद ने कहा, दौलत का अंबार है लेकिन लालची है तो फकीर है। सर पे हुकूमत का ताज है लेकिन फिर भी लालची है तो फकीर है। बड़े बड़े बाग है उसके पास लेकिन लालची है तो फकीर है। का मैं बताता हूं कि गनी किसे कहते हैं? गनी उसे नहीं कहते कि दूसरे की हुकूमत को छीन कर, दूसरों के हक को छीन कर गनी बन जाए, बल्कि गनी उसे कहते हैं कि रूखी सोखी खा ले लेकिन फिर भी शुक्र परवरदिगार करके सो जाए। वो गनी होता है दूसरे के माल को छीन कर गनी नहीं बना जाता, बल्कि अपने शिकम पर पत्थर बांध के अपनी रजा दूसरों को खिला देने वाला गनी होता है। अब कायनात में बहुत लोग मिले जो लगभग कुछ चोरी किया, बहुत से अल्लाह मौलाए कायनात के हैं जो चोरी हुए, अरे उससे बहस नहीं करते। तो ये पहलों में दाना है, साजगार माहौल नहीं बनाते, बस अमल कर जाते हैं और जो मकसद होता है, जो मतलब होता है वो पूरा हो जाता है। जालिम की हुकूमत में रहकर जालिम को नसीहत करना कोई आसान बात नहीं है। उसी के दरबार में जाते थे, उसी का माल लेते थे, गरीबों में तस्लीम कर दिया करते थे, उसी की गुजार लेते थे, गरीबों में तस्लीम कर दिया करते थे, कुछ अपने छोटे मोटे कारोबार करते थे और उसे भी गरीबों में तस्लीम कर दिया करते थे। यह है बोलों ने दाना। इसीलिए कहा जाता है कि बोलों ने दाना वो है जिन्होंने जन्नत बनाई और बेच दी। इसलिए कि शिलाने अली के अख्तियार में जन्नत है, यानी अंतरराष्ट्रीय हमें फायदों ने सुने पहले कह दिया कामयाब है, इन्हें जन्नत मिलेगी। इसलिए हमारे बहुत से ऐसे उलमा गुजरे हैं जो ये कहते थे कि हम जन्नत मिलने की दुआ नहीं करते कि परवरदिगार हमें जन्नत मिल जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जन्नत मिलने की दुआ हो करे जिसे जन्नत न मिली हो। हमें तो जन्नत मिल चुकी है। मैं मिसाल दे दूं, अगर मैं ही ये दुआ करूं परवरदिगार आज 13 मुहर्रम को दोपहर में मुझे यहां मजलिस पढ़ने दे, आज ही बैठकर दुआ करूं, तो ये दुआ का मकाम तो है नहीं। ये तो मजलिस में पढ़ रहा हूं तो ये तो शुक्र का मकाम है कि मैं पढ़ रहा हूं, यादव शुक्र परवरदिगार है। तो जब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं तो इसमें दुआ की कौन सी बात है? दुआ वो करे जिसे अभी मजलिस पढ़नी हो, जो अभी पढ़ाना हो, मैं तो पढ़ रहा हूं, यादव शुक्र करना चाहिए। यादव मजलिस बयान करते थे हम जन्नत की दुआ क्यों करें,
जन्नत हमें मिल चुकी है, लिहाजा वो कर्बला की दुआ करते थे। कहा क्यों कर्बला की दुआ क्यों करते थे? कहा कर्बला के लिए मासूमीन ने फरमाया, अगर कोई हमारा चाहने वाला कर्बला जाए और वहीं मर जाए तो जिस मकाम पर दफन हो जाएगा परवरदिगार उस खित्ते को जन्नत बना देगा, उस खित्ते को जन्नत बना देगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जो जन्नत मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी इसकी बात न करें, अगर आपने एक मकान खरीदा, आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, जिस दिन रजिस्ट्री करवाई उस दिन आप उस घर के मालिक हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी दिन आपका कब्जा भी हो जाए। कब्जा कहीं दो दिन बाद होता है, कहीं पांच दिन बाद होता है, कहीं एक साल बाद होता है, बस वही मुहिब्बे आले मोहम्मद मरा जन्नत उसे मिल गई, बस रोजे महशर वाला दिन उसे कब्जा करने वाला दिन कहा गया है। अब कर्बला की बात आ गई, अगर कर्बला में कोई इंसान जाए मर जाए और दफन हो जाए परवरदिगार उस जगह को जन्नत का हिस्सा बना देता है। अब हो सकता है कोई सवाल करे, इसका मतलब जो जन्नत में जो कर्बला जाए मर जाए दफन हो जाए तो वो जन्नती है? बिल्कुल यकीनन वो इंसान जन्नती है। तो फिर सवाल ये भी पैदा हो जाएगा तो वहां यजीदी भी दफन है, तो क्या यजीदी भी जन्नती होते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। हम जन्नती है, हमारा कोई चाहने वाला, हमारा मासूम की हदीस के मुताबिक हमारा चाहने वाला अगर कोई कर्बला जाए मर जाए दफन हो जाए तो जन्नती है, लेकिन हमारा दुश्मन अगर कर्बला में जाए और मर जाए और दफन हो जाए तो वो जन्नती नहीं है। अब मैं मिसाल के जरिए से समझा दूं, नमाज पढ़ना सवाब है कि अजाब है? पूरी दुनिया कहेगी नमाज पढ़ना सवाब है, लेकिन अगर वही नमाज गस्ती घर में पढ़ी जाए तो सवाब है कि अजाब है? तारी दुनिया कहेगी कि अजाब है। कैसे? गस्ती घर में पढ़ रहा है, हुसैन ने कर्बला में पहुंचने से पहले ही यानी जैसे ही पहुंचे वैसे ही 60,000 दिरहम में जमीन कर्बला को क्यों खरीदा? कहा इसलिए कि आने वाले जमाने में हमारा चाहने वाला आएगा तो यहाँ दफन होगा, तो दफन हो तो गस्बी जमीन पर न हो बल्कि हुसैन की मुमकियत पर दफन हो, ताकि उसके सवाल में ज्यादती का सबब बने। और वही अगर दुश्मन आने अहले बैत दफन है तो वो गस्बी जमीन में दफन है तो वो उसके लिए सवाल का बाइस न बनेगा, वो उसके लिए अजाब का बाइस बनेगा। अब हो सकता है कोई कह दे में कोई और कहीं दफन है तो क्या वो सवाल मिलेगा कि अजाब मिलेगा? तो हम दफन की कैफियत नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वारिसों से इजाजत मिली है कि नहीं मिली है। अगर वारिसों की इजाजत से दफन है तो सवाल ही सवाल, लेकिन अगर वारिसों की इजाजत के बगैर दफन है तो कोई सवाल नहीं है, चाहे इंसान जहां दफन हो जाए। इसी तरह कर्बला में अगर चाहने वाला दफन होता है तो सवाब में इजाफा होता है, अगर दुश्मन दफन होता है तो अजाम में इजाफा होता है। कर्बला की जमीन जो खरीदी हुसैन ने इसी मसलहत की बुनियाद पर खरीदी। तो देखाने मोहतरम, आज 13 मुहर्रम अहले हरम का अशीर हुआ हुआ काफिला रफ्ता रफ्ता कूफे की जानिब बढ़ रहा है। सफर में अजियतों पे अजियतें, पानी के लिए तरसाना, पानी के लिए अहले हरम तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, सकीना पानी पानी कर रही है, लेकिन फिर भी जालिम पानी नहीं पिलाते। आलम ये है जुल्म की, कि यजीद का जो लश्कर था उसका सिपाही शिम्र का तमाचा बड़ा मशहूर है। शिम्र अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा है। सहमी हुई सकीना फूफी की आगोश में बैठी है और फूफी से मुखातब होकर कहती है, फूफी अम्मा जाऊं, हो सकता है शिम्र हमें पानी दे दे। ज़ैनब कहती है, मेरे लाल वो पानी नहीं देगा। सकीना कहती है, फूफी अम्मा हो सकता है कि पानी दे दे, हो सकता है मेरी प्यास पे रहम आ जाए, हो सकता है उसका दिल पिघल जाए। सकीना से ज़ैनब ने कहा, जाओ अपनी हुज्जत को तमाम कर। सकीना गई और जाने के बाद शिम्र के सामने खड़ी हो गई।
शिव सकीना के सामने अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा है। सकीना ने कहा, ऐ शिव, मुझे भी प्यास लगी है, क्या मेरी प्यास नहीं बुझाएगा? मुझे भी पानी दे दे, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन शिव एक बात नहीं सुनता, लश्कर वालों को पानी पिला चुका, अब अपने अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगा। सकीना कहती है, शायद घोड़ों को पानी पिला ले तो मेरी प्यास पर रहम आ जाए, जो पानी बचा रहे वो पानी मुझे अता कर दे। लेकिन शिव ने घोड़ों को पानी पिला लिया, नाकों को पानी पिला लिया, अब जो पानी बचा सकीना को दिखा कि वो पानी जमीन पर गिरा देता है। सकीना दौड़ कर गई और जमीन पर अपने आप को गिरा दिया। बैल करने लगी कि अरे बाबा, जिस घराने को लिए अल्लाह ने पानी बना दे दिया, उस घराने के ऊपर इतनी मुसीबत डाली गई कि उसे एक कतरे आग के लिए तरसाया जा रहा है। काफिला और आगे बढ़ा तो मंजर ये नजर आया वहां पर कि शिव ने कहा, लालियों ने कहा कि बीवियों को धूप में बिठा दो, शहीद सरदार को धूप में बिठा दो, हमारे लिए खेमा बनाओ, हम खेमे में आराम करेंगे। सारे जालिम खेमे में आराम करने लगे। जनाबे शहीद सरदार धूप में बैठे हैं, वो भी अरब की धूप, लोहे की जंजीर है, लोहे की बेड़ी है, लोहे का तौक है, लोहा धूप में गर्म हो रहा था। शहीद सरदार की कैफियत, जंजीर जहां भी खाल में जिस्म में टच होती थी वहां छाले पड़ जाते थे, जहां टच होती थी वहां छाले पड़ जाया करते थे। ऐसे आलम में सैयद सज्जाद ने अपनी हथकड़ी बेड़ी को संभाला और चाहा कि खेमे के साए में अपने आप को बैठा दे ताकि लोहा कम से कम ठंडा हो जाए। इस अपना में जंजीर की झनकार जब शिव के कानों में गई तो शिव ने एक जालिम को भेजा, कहा, देखो सैयद सज्जाद हमारे खेमे के नजदीक क्या कर रहा। वो जालिम बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद कहता है, सज्जाद जाओ तुम धूप में बैठो, हम तुम्हें धूप में बैठा रहे हैं। सही सज्जाद ने क्या कहा, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं कर रहा हूँ, मेरा लोहा गर्म हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए साए में बैठा हूँ। लेकिन अरबाब अल्लाह इसी यसना में शिव्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, चाहता है कि सज्जाद को मारे। जनाब ज़ैनब ने देखा तो बीबियों को हल्के में बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बीबियों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन करना, ये रिश्ते माबूद हो जाएंगे, मैं तो बददुआ करना चाहती हूँ। अरबाब अल्लाह इतना देखना था, सैयद सज्जाद ने फूफी का चेहरा देखा, आंखों से अश्क जारी हो गए, है फूफी अम्मा उम्मत रसूल के लिए बददुआ न करिएगा। कर सैयद सज्जाद ये कितना जुल्म पर जुल्म करते जा रहे है। सैयद सज्जाद ने पापा के सर की तरफ इशारा किया, अब्दुल ज़ैनब ने हुसैन का सर देखा, सने हुसैन से रोने की आवाज आई, ऐ बहन ज़ैनब सारे जुल्म बर्दाश्त करो, लेकिन मेरी नाना की उम्मत के लिए बददुआ करना। इन्ना लिल्लाहि और मदद हमारे साथ उनके का फर्जी होता है ना, सर करीब में हमें नजर पड़ेगी।